नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। ग्वालियर में भीतरवार से कांग्रेस विधायक लाखन सिंह ने किसानों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंच गए। सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए विधायक लाखन सिंह ने कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति लापरवाही बरत रही है। मुख्यमंत्री ने कम बारिश होने पर क्षेत्रों को सूखाग्रस्त घोषित करने की घोषणा की थी, लेकिन राहत के नाम पर एक भी किसान को सहायता नहीं मिली। मनरेगा के नाम पर सरकार राहत देने की बात कर रही है, लेकिन मनरेगा में युवा काम कर सकते हैं, लेकिन महिलाएं नहीं। तीसरा, हमने एक मांग रखी जो बहुत महत्वपूर्ण मांग है। इस प्रदेश का जो मुख्यमंत्री हमेशा झूठगी खा रहा है, झूठ ही बोलता रहता है वो, उस मुख्यमंत्री ने यहाँ ग्वालियर में घोषणा की थी कि ग्वालियर जिले को सूखा घोषित किया जाए, लेकिन ये इतने किसान खड़े, एक भी किसान से आप पूछ लो, सूखा राहत के नाम पर किसी भी किसान को कोई भी राहत नहीं मिली। तो हमने ये मांग की थी कि ये झूठे वायदे आप बंद कराओ, और झूठे वायदे बंद करके जो आप एक्चुअल में जो घोषणा कर रहे हैं वो घोषणाओं को आप धरातल पे लाओ, किसानों को उसकी राहत दिलाओ। इन तीन चार मुद्दों पे हम लोगों ने चर्चा की थी। कलेक्टर साहब ने हमारी एक मांग तत्काल मांग ली, वो कल ही मान ली थी। वाली मांग जो आपकी है उसमें कोई मल्टीमेटम दिया है कुछ? उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम लोगों ने कुछ राहत कार्य खुलवा रहे हैं। राहत के नाम पे बता दूं, उन्होंने राहत के नाम पे कहा है कि हमने नरेगा में काम शुरू कर दिए, और नरेगा में नौजवान लोग तो काम कर सकते हैं, 60 साल का बुजुर्ग, 60 साल की हमारी महिला माता बहनें वो काम नहीं कर सकती। तो ये नरेगा के नाम पे जो धोखाधड़ी कर रहे हैं शिवराज सिंह जी, हम कहते हैं कि ये हमारे किसानों की तरफ से उनको चेतावनी है कि झूठ की 15 साल खाते खाते तुमको हो गए, ये आखिरी समय, अगर ठीक ठाक चलोगे तो ठीक है, नहीं तो ये जनता जिस कुर्सी पे उन्होंने बिठाला है उस कुर्सी से नीचे उतारने में भी उनको कोई टाइम नहीं लगेगा। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज आज।